ओके जी, तो हम लोग जा रहे हैं अब तैमूर आमिर स्क्वायर, और आज है हमारा यहाँ पे 5th day, और टैक्सी का हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी टैक्सी आ जाएगी तो हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पर यांडेक्स है, जिस ऑनलाइन जिस तरह हमारे पाकिस्तान में करीम उबर है, और यही उसी तरह यहाँ पर यांडेक्स। और आई एम ऑल रेडी टू गो। काफ़ी धूप है, मौसम नॉर्मल है, रात को ठंड हो जाती है, दिन में धूप हो जाती है। और आरुष इज़ ऑल्सो रेडी, हमारी टैक्सी का अब हम आ गए हैं शालीमार रेस्टोरेंट, और ये यहाँ पर जो है पाकिस्तानी, इंडियन और अरेबिक फूड मिलता है। अगर आप ताशकंद आएँ और आपको क्रेविंग्स हों कुछ पाकिस्तानी डिश खाने की, तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ ताशकंद में ही ये शालीमार रेस्टोरेंट है, और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलें फिर अंदर चलते हैं। तो ये है रेस्टोरेंट, और ये है अभी बाहर का ही साइड है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है यहाँ पर, दैट्स वाई इन्होंने जो है डाइन इन बंद किया हुआ है। बाहर सेटअप एक छोटा सा बनाया हुआ है बैठने का। और यस, शालीमार जो है ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, अरेबिक फूड मिलता है। और आप लोग जब भी उज़्बेकिस्तान आएँ तो यहाँ ताशकंद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, सो अभी हम बाहर बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं। वाओ, लंच हम बाहर करेंगे क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, और अंदर उन्होंने अभी अलाउ नहीं किया हुआ। एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। मैं तो यहाँ की ग्रीनरी से इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने, मतलब हर जगह आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, हर जगह मोस्टली। ओके, सो लंच का वेट करते हैं, देखते हैं कब आता है लंच। ओके, सो ये है शालीमार रेस्टोरेंट का मेन्यू, और अब आप लोग देखेंगे कि इसमें कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ है डिशेज़ की, एंड पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा डिशेज़ हैं इसमें। और ज़रा प्राइसेस पे भी नज़र डालिए, देखें किसी की 49,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 52,000 है। तो ये जो थाउजेंड्स हैं ये उज़्बेकिस्तानी सोम्स में हैं, पाकिस्तानी थाउजेंड नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो है करेंसी का रेट काफ़ी ज़्यादा लो है, तभी यहाँ चीज़ें थाउजेंड्स में, लैक्स में चली जाती हैं। मतलब कि एक टाइम का खाना आपको 1 लाख या 2 लाख उज़्बेकिस्तानी सोम्स में पड़ जाएगा, अच्छा खाना। मतलब अगर आपकी फैमिली बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग आइटम जो है ऑर्डर करते हैं, तो उस हिसाब से आपको 3 लाख भी जा सकते हैं, 4 लाख भी जा सकते हैं, क्योंकि करेंसी का यहाँ रेट काफ़ी ज़्यादा लो है। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में इस बारे में बताऊंगी। और अब बस हम खाना ऑर्डर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। सो हमारा लंच आ गया है, और हमने ये लंच में ऑर्डर दिया है, ये है नान, ये है चिकन कढ़ाही, एंड ये है बिरयानी। और टेस्ट जो था, और साथ रायता भी है, और टेस्ट जो था वो नॉर्मल था, इतना कोई ख़ास नहीं था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स दूसरी कंट्री और स्पाइसेस का भी फ़र्क होगा।
That's why. Okay guys, so lunch हमने कर लिया है and now we are off to Amir Taimur Square, जो कि यहाँ से 10 minutes की walk पर है, क्योंकि ये उसी का area है, यहीं पर शालीमार restaurant है. और ये देखें आप, ये लोग किस तरह clean कर रहे हैं अपनी city को. और यहाँ रोज़ morning में ये लोग सफ़ाई करते हैं, and ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. and I hope कि हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह सफ़ाई का निज़ाम बन जाए, daily morning में roads clean हो and parks clean हो. तो guys trust me, हमारा country भी किसी से कम नहीं है. एंड तो फिर चलें आमिर तैमूर स्क्वायर और आप लोग साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारे इंजॉय करते जाएं. सो फाइनली हम आ गए हैं आमिर तैमूर स्क्वायर और ये सामने है म्यूज़ियम. इतना कोई ख़ूबसूरत नज़ारा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती. वेरी आई कैचिंग, बहुत ब्यूटीफुल. ये देखें, और जो है ये सामने आमिर तैमूर का जो पार्क है वो यहाँ से रोड क्रॉस करके स्टार्ट होगा. फिर मैं अभी आप लोगों को लेकर चलूँगी, आप लोग देखिएगा. और ये म्यूज़ियम है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है. और ये है सामने होटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, तो ये सामने जो बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है. अब हम लोग यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे, दैन सामने सामने पार्क होगा जहाँ आमिर तैमूर का जो स्टैचू है वो बना हुआ है. और वो पूरा पार्क है, फैमिली पार्क है. और अब हम लोग वहीं जा रहे हैं बस. एंड ये है होटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, इतना ख़ूबसूरत बड़ा सा. एंड या ओके, सो अब हम जा रहे हैं पार्क के अंदर. और ये पार्क के अंदर से सामने सामने होटल ऑफ उज़्बेकिस्तान नज़र आता है और ये म्यूज़ियम नज़र आता है. और अब आप लोग देखें व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखें. और फिर चलें अंदर, चलते हैं पार्क के. सो फाइनली हम अब हैं पार्क के अंदर और ये है आमिर तैमूर का स्टैचू, आप लोग देख सकते हैं सामने. और अब मैं आप लोगों को इसके करीब लेकर चलूँगी, लेकिन सबसे पहले ये पार्क दिखा दूँ कितना बड़ा ये पार्क है. और ये फैमिली पार्क है, यहाँ शाम को फैमिलीज आती हैं नॉर्मली. एंड ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ, सामने होटल ऑफ उज़्बेकिस्तान भी है. ओके सो ये इन्होंने बनाया हुआ है आमिर तैमूर का एक पोर्ट्रेट, बहुत ही खूबसूरत सा. उसके इर्द गिर्द ये पूरा पार्क बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं. एंड आमिर तैमूर के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि ये एक वॉरियर थे और इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा जंगें लड़ी थी. जैसे हर कंट्री के अपने सुपर हीरोज़ होते हैं, उसी तरह ये उज़्बेकिस्तान के सुपर हीरो हैं. एंड इन्होंने काफ़ी अपने दौर में काफ़ी काम ऐसे किए थे जिसकी वजह से इनको काफ़ी जाना जाता है. और इनकी याद में इन्होंने जो है ये एक इनका पोर्ट्रेट बनाकर और उसके इर्द गिर्द ये पूरा पार्क बनाया है जिसको आमिर तैमूर पार्क कहते हैं. ओके सो अब हम जा रहे हैं मॉल क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं. और ये मेरे पीछे आप देखें व्यू कितना ब्यूटीफुल है. ये पीछे होटल ऑफ उज़्बेकिस्तान है और आरुष बहुत ज़्यादा तंग कर रही है हमें. और हम काफ़ी थक चुके हैं. अब हम यहाँ तैमूर आमिर तैमूर स्क्वायर से निकल रहे हैं और कहीं जा रहे हैं हम किसी मॉल वगैरह में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है. रात को ठंड हो जाती है और दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है. तो या लोग आ गए हैं मॉल में. और ये है कंपास मॉल जो कि है ताशकंद में. काफ़ी छोटा सा मॉल है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, लिमिटेड शॉप्स हैं. और अच्छा है फैमिली के लिए और बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है. काफ़ी कोविड की वजह से बंद हैं शॉप्स वगैरह. इतनी गर्मी थी बाहर कि हमने कानों को हाथ लगाया और अब हम मॉल में आए और मैं ये जूस पी रही हूँ, बहुत ही टेस्टी है. अंदर मिंट है, इसके अंदर फ्रूट्स हैं, आप देख सकते हैं एप्पल है और अजीब सा सिट्रस टाइप है. जूस बहुत मज़े का है. और ये आरुष
अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही हैं, हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है और ये मेरे पीछे मॉल है। अच्छा, कोविड की वजह से भी यहाँ पर जो है ना उन्होंने काफ़ी माहौल स्ट्रिक्ट कर दिया है। देखें, बैठने की कोई उन्होंने चेयर नहीं रखी हुई, बिल्कुल मतलब फुल इन्होंने जो है प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब सुनने में आया कि यहाँ पर भी केसेस जो है बढ़ रहे हैं कोविड के। तो आई होप कि हम लोग जो है यहाँ से खैरियत से वापस अपने कंट्री सऊदीया पहुँच जाएँ, क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। और अब हम थोड़ा सा मॉल का राउंड लगाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे एंड देन हम अपने घर चले जाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि बाहर घूमने वाला सीज़न ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके, सो फाइनली वी आर बैक एट होम। और आज तो भाई हम इतना ज़्यादा थक गए कि वी हैव डिसाइडेड कि हम अब जाएंगे। अगर हमारा बाहर जाने का हुआ प्लान तो हम लोग आफ्टर 4 PM जाएंगे, क्योंकि सुबह हम लोग तकरीबन 1 बजे निकले थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमारी हालत ख़राब हो गई थी। फिर हम जल्दी से मॉल गए, वहाँ हमने थोड़ा अपने आप को ठंडा किया, जूसेस वगैरह पिए और थोड़ी तबीयत ठीक हुई, लेकिन बहुत गर्मी है। और दूसरी बात ये कहनी थी कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ यहाँ का, यहाँ पर जो है मुझे यहाँ की थोड़ी समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पर खाना पीना खाने का बहुत मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। मतलब कि मुझे घर पे बनाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि इनके चिकन में स्मेल है, मुझे स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। और ये बात इमरान ने भी फील की है, उनको भी मतलब टेस्ट वैसा नहीं मिल रहा। और बाहर भी कोई हमारे टेस्ट का खाना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल फीके फीके खाने और बिल्कुल जिस क्या कहें बिल्कुल मतलब चेंज खाने हमारे टेस्ट पे नहीं बैठते हो खाने, जितनी भी हम कोशिश कर लें हमें नहीं अच्छे लगेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ काफ़ी लैंग्वेज बैरियर भी है, ये लोग कुछ उज़्बेकिस्तानी लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ रशियन बोलते हैं और इंग्लिश नहीं बोलते। ये लोग इंग्लिश मुश्किल से समझते हैं, थोड़ी बहुत समझ जाते हैं लेकिन थोड़ा मसला है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये ओके सबसे मेन पॉइंट ये कि यहाँ मुस्लिम शावर नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा मसला है जी। तो ये बहुत ज़्यादा मसला है। और बस अब हम दिन गुजार रहे हैं इंशाल्लाह, हमें बहुत ज़्यादा वेट है कि उस दिन का जब हम यहाँ से फाइनली डिपार्चर अपने घर के लिए होंगे, सऊदी अरेबिया के लिए होंगे जी। ओके, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हम लोग खैरियत से पहुंच जाएं। तो आज का बस दिन यही था, यही छोटा सा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है। और आरुष बहुत ज़्यादा तंग कर रही है अभी भी, ये मामी मामी कह रही है, बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही है। एंड बस कोशिश करूँगी कि जितना मुझसे हो सका मैं आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ व्लॉग्स और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। सो आज का दिन इसी तरह गुजरा, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।